नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसके सिंपल फूड में। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी रेसिपी आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आज मैं बिल्कुल ही सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके प्यार और सहयोग के कारण यहाँ तक आई हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ। आइए दोस्तों, आज बिल्कुल सिंपल सा एक भुजिया लाई हूँ जो मेरे यूपी और बिहार में बनता है, और ये है आलू और हरे प्याज की भुजिया। तो ये देखिए, मैंने आलू इस तरीके से काट रखा है, ये देखिए, और चाहिए प्याज, इसके मैंने आगे और पीछे दोनों हिस्से ले रखे हैं। बहुत ही सिंपल है, कम मसालों में और बहुत ही टेस्टी। और चाहिए कुकिंग ऑयल, हल्दी, नमक, तड़के के लिए जीरा, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने गैस चालू कर दिया और तेल डाल दिया कढ़ाई में, और ये मेरी लोहे की कढ़ाई है। तो चलिए अब इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिर्च और जीरा डालूंगी और इसे हो जाने देते हैं। जीरा हो गया, अब मैं इसमें आलू डालूंगी। तो ये मैंने आलू डाल दिए और अभी इसे ढक के बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो गया भूनते हुए, और आज मेरा मीडियम ही था, आज मीडियम ही रखेंगे। और अब मैं इसमें डालती हूँ हरी मिर्च और प्याज। तो ये डाल दिया मैंने हरा प्याज, और अब मैं डालूँगी हरी मिर्च, और अब मैं सूखे मसाले भी डालूँगी, नमक भी डालूँगी स्वाद अनुसार, कम ही डालिएगा क्योंकि प्याज तो गल जाएंगे, और डालूँगी मैं हल्दी, और इसे मिक्स करके हम ढक देंगे इनके पकने को। मैंने सिंपल भुजिया का भी डाला है और लहसुन मिर्च वाली भुजिया भी डाली है, और ये हमने प्याज वाली भुजिया डाल दी अपने चैनल पे। तो अगर आपको चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भुजिया को प्ले लिस्ट खोलिएगा, तो आपको मिल जाएगा उसमें भुजिया और भी। तो चलिए अभी से ढक देते हैं चाय दिखा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, अब मैंने आँच कम कर दिए, पहले मीडियम था, देख के आलू हुआ नहीं हुआ हमारा, आलू हो गया लेकिन अभी ये थोड़ा सा और होगा। चलिए इसे हो जाने देते हैं और इसे ढक देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है, और ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है इसका। तो अभी हमारा सर्व करने के लिए तैयार है, तो आइए सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा भुजिया आलू और हरे प्याज का कंप्लीट हो गया। तो आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी, दाल चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई तरीका हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए रेसिपी और नए डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।